भगवान किसी की माँ यदि गुम हो गई और बेटा परमात्मा के पास चला गया, हे भगवान मेरी माँ गुम हो गई है, मैं कहाँ ढूंढू, कहाँ से लाऊं, प्लीज परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान को भजने से माँ मिले या ना भी मिले, सुनना ध्यान से, भगवान को भजने से माँ मिले या ना भी मिले, माँ को भजने से भगवान 100% मिलने वाले। आज यहां तक मैं कहना चाहता हूं, यहां तक एक बार भले मंदिर नहीं जाओगे तो चलेगा। महाराज साहब आप क्या बोल रहे हो? आज तक ऐसा बोल रहे थे कि रोज मंदिर जाना चाहिए, बिना मंदिर तो घर में नहीं रहना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, वो महाबोधि अलग था, आज का महाबोधि जुदा। आज का ये मेरा फेवरेट प्रवचन, वैसे देखने जाओ तो मुझे 3 घंटे कम पड़ते हैं। मेरे लाइफ में मैंने 148 प्रवचन किए, आज भी मुझे यही करना था, लेकिन मुझे लगा कि नीलेश जब आता है तो आधा उससे भी है, क्योंकि पता है कि माँ और बाप क्या होते हैं। यही ये नीलेश है कि जिसकी बच्ची 10th में थी और एक्सीडेंट में खत्म हो चुकी, ये नीलेश को पता है कि बेटी क्या होती है। मैं बहुत बार कहता हूं, कठिन छाती वालों बाप पर बेच गया रड़ी पड़ता हूं, 56 छाती वालों बाप पर बेच गया है तो ढीलो पड़ी जाता है। नंबर 1, दिकरी घर छोड़े त्यारे, अने बिकरो तर छोड़े त्यारे। एक दीकरी जब बच्ची जब घर से विदा लेती है ना, तो माँ की गोद में जितनी नहीं रोएगी उतने बाप के कंधे पे मुंह रख के रोए। आप तो बैठे हो ना, आपने भी अपनी बच्ची को विदाई तो दी होगी ना, तो एक घर से दूसरे घर पे विदाई देते समय यदि आप भी अपनी आंखों को रोक नहीं सकते, तो इस संसार से परलोक तक विदाई देते समय नीलेश का क्या हाल है? और इसीलिए वो जो बोलते हैं वो जान से बोलते, जी से। मुझे कहना था आज, आज तक मैंने माँ बाप के प्रवचन करके बहुतों को रुलाया, लेकिन नीलेश ने आज मुझे भी रुला दिया। मत क्या बोलते, कितनी अच्छी बात बताए, खिलाए बिना खाए नहीं, उसका नाम। घर में 4 लड्डू हो गए और खाने वाले 5 हो गए, तो जो ऐसा कह दे कि मुझे पहले से लड्डू भाता ही नहीं है, वो और कोई नहीं होगी, वो तुम्हारी माँ को पता। मेंबर 5 लड्डू 4 यदि मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगी, इतना मेरे बच्चों के पेट में कम चाहिए।